हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय। आज लेकर आया हूं चाइनीज़ फूड चिली गोभी की रेसिपी। सामग्री पर नज़र डालें तो अदरक लहसुन प्याज गोभी मैंने ली हुई है, साथ में कैप्सिकम का प्रयोग भी हम इस रेसिपी को बनाने में करेंगे। दोस्तों ऑलमोस्ट सभी प्रकार के सॉसेस मैंने यहां पर ले लिए हैं। सबसे पहले एक बाउल में ऐड करें हम ग्रीन चिली की 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून रेड चिली की ऐड करें, सोया सॉस की 2 टेबलस्पून यहाँ पर मैं लूँगा, टमाटो सॉस लेंगे हम, केचप कि 2 टेबलस्पून आपने लेनी है और साथ में विनेगर की भी आपने 2 टेबलस्पून ऐड कर लेनी है। दोस्तों इसके बाद इसका बैटर बना लेना है, अच्छी तरह से आपने इसे मिक्स कर लेना है आपस में। सबसे ज़्यादा फायदा इसका ये होगा जब आप सॉसेज डालेंगे तो इकट्ठा सारा सॉस पड़ जाएगा। यहाँ पर चॉपिंग प्रिपरेशन पर नज़र डालें तो अदरक लहसुन को मैंने फाइन चॉप किया, गोभी कैप्सिकम प्याज को मैंने डाइस में काटा हुआ है। अब एक बाउल में सबसे पहले हम कॉर्न फ्लोर के 3 टेबलस्पून लेंगे दोस्तों, और 3 टेबलस्पून ही हम मैदे के लेंगे। कॉम्बिनेशन हम बराबर रखेंगे दोस्तों, ज़्यादा कम नहीं करेंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे हम काली मिर्च की 1 टेबलस्पून आपने ऐड कर लेनी है, साथ में थोड़ा सा सॉल्ट आपने डालना है दोस्तों, स्वाद अनुसार ही आप सॉल्ट का प्रयोग करें। अब इसमें हम बटर थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, फिर इसका बैटर बनाएंगे। आपने बैटर ऐसा बनाना है वो ना ज़्यादा पतला हो और ना ही ज़्यादा गाढ़ा थिक हो दोस्तों। पानी थोड़ा थोड़ा करके आप डालें और फिर इसे स्टर करते जाएं, एक स्पून से आप इसे अच्छी तरह से स्टर करें या फिर अपने हाथ में ग्लव्स पहनकर भी आप ये बैटर बना सकते हैं दोस्तों। फिर आपने इसमें डीप कर लेनी है डाइस में काटी हुई गोभी, यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी गोभी को मैंने बैटर में ऐड कर लिया और अच्छी तरह से इसको बैटर लगाना है आपने। फिर मस्टर्ड ऑयल को आपने हिट करना है और सारी गोभी को ऐड कर लेना है इस पैन में, ऑयल में दोस्तों। इसको गोभी को हम 2 बार फ्राई करेंगे, थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम इसको फिर से डाल देंगे और इसे स्टर कर लेंगे। सेलो फ्राई मैं करूंगा। अब एक पैन में आपने 2 से 3 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल के लेने हैं, स्मोक आने तक हीट करने हैं। पूरे पैन में आपने ऑयल को लगाना है, फिर आपने लहसुन का प्रयोग कर लेना है, अदरक भी आपने डाल लेना है साथ में ही दोस्तों। थोड़ा सा तड़क जाए लहसुन तो फिर आपने अदरक का प्रयोग कर लेना है दोस्तों, और थोड़ा अदरक को भूनना है आपने, बस 1-2 सेकंड के लिए आपने भूनना है। उसके बाद आपने कैप्सिकम का प्रयोग कर लेना है, शिमला मिर्च का, और प्याज के डाइस भी आपने डाल लेने हैं दोस्तों। फिर इनको स्टर करना है, थोड़ी देर के लिए आपने स्टर करना है। गैस की फ्लेम आपने 1-2 सेकंड के लिए बिल्कुल हाई फ्लेम में रखनी है दोस्तों, ज़्यादा नहीं कुक करना है सब्जी को, हम इनको क्रंची ही रखेंगे, थोड़ी देर के लिए कुक करना है। उसके बाद हम गोभी को डाल लेंगे, गोभी हमारी बहुत बढ़िया सेलो फ्राई हुई, आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर सेलो फ्राई गोभी को किया है। फिर सॉसेस को आपने डाल लेना है इसमें दोस्तों, एक बाउल में हमने सारे सॉसेस ऐड कर लिए थे, अब इनका प्रयोग हम कर लेंगे यहाँ पर और स्टर करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, इसको हाई फ्लेम में कुक करेंगे। थोड़ा सा आपने वाटर यहाँ पर प्रयोग करना है दोस्तों, ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा ही वाटर आपने डालना है, फिर इसे कुक करना है आपने। गैस की फ्लेम आप धीमी रखें दोस्तों, और फिर थोड़ा सा यहाँ पर मैं मैगी मसाले का प्रयोग करूँगा, इससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है दोस्तों। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो इसका प्रयोग आप जरूर करें, थोड़ा सा सॉल्ट आप और डालें, स्वादानुसार ही आपने सॉल्ट का प्रयोग करना है, फिर स्टर कर लें दोस्तों। अब इसको थोड़ा सा हमने थिक बनाना है तो थोड़ी देर इसे कुक करना है, और साथ में क्या करना है, एक बाउल में आपने कॉर्नफ्लोर की 1 टेबलस्पून लेनी है दोस्तों, और उसको वाटर में आपने घोल लेना है, फिर इसको डाल लेना है। इससे ये होगा कि आपका जो चिली गोभी है वो बहुत जल्दी थिक हो जाएगी। अगर आप इसको थोड़ा तरी वाला बनाना चाहते हैं तो फिर आप इसमें वाटर का 1/2 कप लगा सकते हैं, लेकिन आपने बॉइल पानी इसमें डालना है, ठंडे पानी का प्रयोग नहीं करना है। अब स्टर कर लें दोस्तों, बहुत बढ़िया रेसिपी चाइनीज डिश बनकर तैयार हो गई है। अब ये सर्व करने के लिए भी बिल्कुल तैयार है, तो सर्विंग प्रोसेस में अब मैं ले जा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने बढ़िया अलग अलग हमारे गोभी के डाइस लग रहे हैं, और बहुत बढ़िया रेसिपी बनकर तैयार हो गई। आप घर में ही चाइनीज फूड की रेसिपी बना सकते हैं, बहुत ही इजी स्टेपों से मैंने बताया कि किस तरह से आप चिली गोभी की रेसिपी अपने घर में बस कुछ ही समय में तैयार कर सकते हैं और खाने का भरपूर आनंद ले सकते हैं दोस्तों। ये रेसिपी आपको कैसी लगी गोभी चिली की दोस्तों, अगर पसंद आई होगी तो मेरे यूट्यूब चैनल पहाड़ी कुकिंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर जरूर करें दोस्तों। इस तरह की रेसिपी देखने के लिए आपको मेरे चैनल को बस सब्सक्राइब करना है दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखें। मैं नई नई रेसिपी लाने का प्रयास करता रहता हूँ ताकि
आप भी अपने घर में एक नई डिश बनाएं और अपनी फैमिली के साथ साथ अगर आपके घर में मेहमान भी आते हैं तो उनको भी इस तरह की रेसिपी बनाकर आप खिला सकें। धन्यवाद, नमस्कार।